दुनिया का सबसे युवा देश भारत क्यों जूझ रहा है बाल मजदूरी की समस्या से? कभी सोचा है, जो दिन बच्चों के पढ़ने, खेलने और कूदने के होते हैं, उसमें उन्हें बाल मजदूर बनना पड़ता है। हमारे देश का मासूम बचपन ऐसा है जो स्कूल जाने की बजाय खेतों में, कल कारखानों में काम कर रहा है, सड़कों पर ठेली लगाकर सामान बेच रहा है, रेशम के धागे से कपड़े तैयार कर रहा है, चाय की दुकान पर बर्तन धो रहा है, ढाबे पर आटा गूंध रहा है, पीतल के बर्तनों को घिस घिस कर चमका रहा है, तेजाब की फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, स्कूल बसों में हेल्परी कर रहा है, फूल बेच रहा है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल्स, रेस्टोरेंट पर काम करने से लेकर कचरे के ढेर में कुछ ढूंढता मासूम बचपन आज न केवल 21वीं सदी में भारत की आर्थिक वृद्धि का एक श्रेया चेहरा पेश करता है, बल्कि आज़ादी के 70 साल बाद भी सभ्य समाज की उस तस्वीर पर सवाल उठाता है जिसमें रंग भरने का दावा सरकारें करती रहती हैं। देश में कहां नहीं है बाल मजदूर? बड़े बड़े लोगों की कोठियों से लेकर मंत्रियों के बंगले तक में बाल मजदूर देखे जा सकते हैं। बाल मजदूरों का इस्तेमाल पटाखे बनाने, कालीन बुनने, वेल्डिंग करने, ताले बनाने, पीतल उद्योग, कांच उद्योग, हीरा उद्योग, माचिस, बीड़ी बनाने, कोयले की खानों में, पत्थर खदानों में, सीमेंट उद्योग, दवा उद्योग आदि सभी खतरनाक कामों में धड़ल्ले से किया जा रहा है। यह आलम तब है जबकि वर्ष 2008 में सरकार ने बाल मजदूरी को अपराध घोषित कर दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत कानून से कोसों दूर है। मंत्री से लेकर अधिकारियों तक के यहाँ बच्चे खुलेआम नौकरी करते बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। कहने को सरकारें बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वायदे और घोषणाएं करती हैं, फिर भी होता सिर्फ ढाक के वही तीन बात है। आज विश्व में जितने बाल श्रमिक हैं उनमें सबसे ज्यादा भारत देश में है। विश्व के बाल श्रमिकों का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा भारत में है। एक अनुमान के अनुसार भारत के 50% बच्चे अपने बचपन के अधिकारों से वंचित हैं। न उनके पास शिक्षा की ज्योति पहुंच पा रही है, ना ही उचित पोषण। हालांकि फैक्ट्री अधिनियम, बाल श्रम निरोधक अधिनियम आदि भी बच्चों के अधिकारों को सुरक्षा देते हैं, किंतु व्यवहारिकता में स्थिति बिल्कुल अलग है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 1 करोड़ से अधिक बाल मजदूर हैं और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार तो भारत में 5 करोड़ बाल मजदूर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 साल के बच्चों की कुल आबादी 25.96 करोड़ है। इनमें से 1.01 करोड़ बच्चे मजदूरी करते हैं। इसमें 5 से 9 साल की उम्र के 25.33 लाख बच्चे और 10 से 14 वर्ष की उम्र के 75.95 लाख बच्चे शामिल हैं। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा बाल मजदूर उत्तर प्रदेश में है 21.76 लाख, जबकि दूसरे नंबर पर बिहार है जहां 10.88 लाख बाल मजदूर हैं। राजस्थान में 8.48 लाख और महाराष्ट्र में 7.28 लाख तथा मध्य प्रदेश में 7 लाख बाल मजदूर हैं। बाल मजदूरी के खिलाफ उल्लेखनीय काम करने के लिए कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका कहना है कि बच्चों से उनके सपने छीन लेने से और ज्यादा गंभीर अपराध क्या हो सकता है। बच्चों को उनके माता पिता से जुदा कर देना, उन्हें स्कूल से हटा लेना, उन्हें तालीम हासिल करने के लिए स्कूल जाने की इजाजत ना देकर मजदूरी करने के लिए मजबूर करना या सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर करना, ये सब तो इंसानियत के माथे पर धब्बा है। सवाल है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बाल मजदूरी के मूल में तो गरीबी है। गरीबी के अलावा प्रभावी शिक्षा व्यवस्था का अभाव, माँ बाप की संकीर्ण मानसिकता एवं जागरूकता की कमी भी बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं। सवाल है कि क्या बाल मजदूरी से मुक्त होगा भारत? बाल श्रम कानून कारगर साबित क्यों नहीं हो पाते? क्या बाल श्रम कानून में सुधार की जरूरत है? क्या सरकार वाकई बाल मजदूर खत्म करना चाहती है? नमस्ते दोस्तों, यदि आपको हमारी ओपिनियन पसंद आती है और आप उससे जुड़े रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन है, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और उसके साथ में ही एक बेल आइकॉन है यानी कि घंटी का बटन है, इसको भी आप
क्लिक कर दीजिए और इससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, तो जैसे ही कोई नया वीडियो उस पर डालता है वैसे ही आपके मैसेज बॉक्स में और आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। नमस्ते।